नमस्कार, मैं राजस्मिन खान और आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जहां 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा में अपनी ताकत को झोंक रही है। हाल ही में खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी विधायकों को लेकर एकदम से सजग है। वो तैयार है कि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी है जितनी बहुमत साबित करने के लिए होनी चाहिए। जीत का दावा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना हरियाणा में तय माना जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा आरोप मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर लगाते हुए नयाब सिंह सैनी को भी घेर लिया। जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तो हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर से परेशान थी, किसान दुखी थे। विरोध प्रदर्शन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ देखे गए थे, अब वही खिलाफ नयाब सिंह सैनी के भी नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। पूरे देश में हवा चल चुकी है, मैं कह के जा रहा हूँ आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने के बाद वहाँ कांग्रेस क्या क्या लागू करेगी ये हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बता चुके हैं। हर वर्ग के लिए, किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी, सबके लिए अलग अलग बताया उन्हें तफसील में। लेकिन एक और बात मैं कहने आया हूँ कि आज अम्बाला में लोकसभा में तो चुनाव है ही, वो तो आप जिता ही रहे उनको, इसके साथ साथ एक और फैसला भी होगा कि आने वाली सरकार अगले 3 महीने के बाद कौन सी पार्टी की बननी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि गुरु चेले का हाल एक जैसा होने वाला है और सूबे में सरकार फिर से कांग्रेस की आने वाली है। दरअसल जहाँ 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। इंद्रजीत से लेकर तमाम सांसदों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में तो फूट पड़ चुकी है और इस फूट में अब अगला कदम अनिल विज का भी हो सकता है। इस कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के पास 45 से 46 विधायकों का बहुमत है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 43 विधायकों का। अब देखना होगा कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल के जवाब में क्या वाकई सरकार गिरती हुई नजर आएगी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आरोप लगाना और ये कहना कि अब अनिल विज की बारी है, तो क्या सूबे में मुख्यमंत्री की रेस के लिए अनिल विज क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SBN 9 न्यूज। धन्यवाद।